जितने भोले बाबा की भक्त होंगे ना सब पाखंडी हो, सारे सात शास्त्र से विमुख रहेंगे, सब भ्रष्टाचार बनेंगे, शमशान में बैठे रहेंगे, दारू पिएंगे, गंजा फूकेंगे, और इनकी जितने भक्त सब पाखंडी बनेंगे, सब उन्होंने अभिशाप दे दिया। इतने में जब उन्होंने नंदी को उन्होंने अभिशाप दिया, नंदी को बड़ा क्रोध आया, बोले जितने शंकर जी के भक्तों को तुमने पाखंडी बना दिया, मैं भी अभिशाप देता हूँ, जितने ब्राह्मण कलयुग में सब भीख मांगने वाले बने, दर दर भटक कर रहेंगे, घर घर में भीख मांगेंगे, जितने कलयुग में ब्राह्मण होंगे, अभी दोनों दोनों को अभिशाप देने लग गए। शंकर चुपचाप बैठे थे, बोले भैया यहाँ पर तो सम्मान है, यहाँ पर तो स्वागत की सभा हो रही थी, यहाँ पर तो गाली गलौज होने लग गया। शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, शंकर जी वहां से चल दिए। हाँ देखो, ध्यान देखो, सुनो, अभी नंदी ने जो अभिशाप दिया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि नंदी शंकर जी की बहन है, लेकिन जो भृगु ऋषि ने जो अभिशाप दिया वो भी ऋषि मुनि है, इनकी अभिशाप भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये दोनों दोनों को अभिशाप लगेगा। लेकिन यहाँ पर शंकर जी ये चुपचाप कैसे बैठ गए, सुने बोल के जितने शंकर जी भक्त पाखंडी बनेंगे, और ये चुपचाप बैठ कर सुन रहे भाग्य वहां से। हाँ देखो, ध्यान देखो, सुनो, शंकर जी के दो रूप है, एक रूप शंकर जी के सदाशिव स्वरूप और एक उनका रुद्र स्वरूप है। जो उनकी रुद्र स्वरूप को उपासना करेगा, आप जिसको भजने करोगेना उसका गुण तुम्हारी शरीर में आएगा। इसलिए अक्सर कर देखो, शंकर जी के जितने भक्त करने वाले भक्ति सब राक्षस होंगे। रावण किसको भक्ति करता था बोलो, रावण किसको भक्ति करता था, शंकर जी को, माँ सीता को उठा कर राक्षस है। बृकासुर नाम सुने होंगे, एक दिन नारद जिससे मिले, बोले बताओ तो कौन सा जगत में ऐसे देवता जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं, बोले भैया एक देवता श्री भोले बाबा। तो उन्होंने श्री भोले बाबा को पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन तपस्या क्या, लेकिन भोले बाबा खुश ही नहीं हुए। फिर यज्ञ में उसने शरीर का मांस को टुकड़े टुकड़े काट काट कर देना, देखा तब भी शंकर जी खुश नहीं हो रहे। फिर अपना सर को काट करके जब आहुति देने गया, शंकर जी खड़े हो गए। शंकर जी बोले तृप्त अस्मि परम ब्रूहि मे, प्रसन्न होकर खा लो, क्या चाहते हो। उन्होंने देखा शंकर जी को बाम पार्श्व में माता पार्वती, पार्वती बहुत ही सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी। बोलिए शंकर तो दिन भर आंख बंद करके बैठे रहते हैं, इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या मतलब है, बल्कि स्त्री को कैसे रहनी चाहिए, बोले कैसे रहेंगे, बोले जब तक शंकर जी को मारे नहीं वो स्त्री मिलना बड़ा कठिन। शंकर जी बोले परमा लो, बोले जिसके सर पर हाथ रखना वही जल कर राख हो जाए। उन्हें वरदान दे दिया, बोले वरदान आपने दिया, मैं आपके सर पर हाथ रख के बैठा करना चाहता। शंकर जी बोले बदले में मैंने दिया और मेरे सर पर हाथ रखो जिसके सर पर, शंकर तो भागे वहां से, और बृकासुर भस्मासुर तो बिछा ही नहीं छोड़े। ऐसे करते 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 शंकर जी भगवान विष्णु की शरण में गए, बोले प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को बचाओ, इसकी है इसकी चक्कर में मैंने पड़ गया। इतने में भगवान विष्णु एक छोटे बाल को लेकर के आ गए, बीच में पड़े हो गए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए, बोले क्यों, बोले उन्होंने वरदान दिया जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो ही जल कर राग बन जाएगा, और ये भाग रहे हैं, बोले भैया वो भी पागल और तू दोनों पागल इकट्ठे हो गए। अरे जब से उनको दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया तब से इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं रहेगी, तभी तो भाग रहे ना, वो झूठ बोल दिए। अरे तेरा अपना सर है ना, अपना सर पर हाथ रख,
चलकर के दांत बन जाऊंगा तो पागल। देखो हाथ को थोड़ा ऊपर रखा गया, जलने से पहले थोड़ी गर्मी आ गया। बोले हाथ रखे बोले कोई गर्मा हाथ आ रहे हैं, कुछ नहीं होता बेटा, और थोड़ा नीचे रखो तो, और थोड़ा नीचे रखा। बोले कोई गर्मी आ रहे हैं, कुछ नहीं होता हाथ रखा। बस हाथ रखा तो भी बचल करके रात हो गई। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले भोले बाबा जब वरदान दे दो देख सुन कर दिया करो, और ऐसे वरदान दे दो खुद विपद में फंस जाते हो और फिर मेरे को बुलाते हो, हैं फिर तो मेरे को बुलाते हो। बोले प्रभु ये दुष्ट लोग मेरी उपासना करके, आपको पता मैं तो भोले बाबा हूँ, जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन मेरे को फंसा लेते। बोले देख सुन कर कर दिया करो। इसलिए देखो शंकर जी को चीज को समझो, शंकर जी को भक्ति करके इनका बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ है? रावण शंकर जी को भक्ति करके सीता को उठा कर ले लिया, ये वृकासुर शंकर जी की भक्ति करके शंकर का पत्नी को धारण करना चाहे, इनकी इतना दुष्ट बुद्धि नहीं। देखो इसका कारण ही जो शंकर जी ये संहार करते हैं। आप जिसको उपासना करो कुछ ना कुछ गुण तुम्हारे अंदर में आएगी, कुछ ना कुछ। इसलिए भागवत में बाणासुर इसका भी कथा होती है, शंकर जी को द्वार चौकीदार बना दिए और शंकर जी को बोलकर से युद्ध करो। एक समय बाणासुर ने ड्रम बजाया, शंकर जी प्रेम कृष्ण प्रेम में खूब नृत्य किए, शंकर जी खुश हो गए, वर मांग हो है तो उन्होंने शंकर जी उनको 1000 हाथ दे दिया। दो हाथ में जब ड्रम बजाए और कृष्ण प्रेम में नृत्य की, अगर इसको 1000 हाथ दे दू ना, शंकर जी को ही युद्ध के लिए उन्होंने बुलाया। शंकर नाराज हो गए, बोले दुष्टों को मैंने 10000 हाथ दिया, वो ड्रम बजाएगा तो मैं नृत्य करूंगा कृष्ण भक्ति में, वो कहता है मेरे साथ भी नृत्य करो। फिर उनका भगवान कृष्ण सारे अभिमान को तोड़े। देखो इसलिए शंकर जी की ये चीज को समझो, शंकर जी की एक स्वरूप है रुद्र स्वरूप। अगर ये रुद्र स्वरूप को भजन करोगे ना, तुम्हारे अंदर भी सारे शंकर जी का गुण आएंगे, जितने तामस भी गुण आएंगे। लेकिन शंकर जी की जो मूल स्वरूप है वो सदाशिव स्वरूप, ये सदाशिव स्वरूप में शंकर जी ये विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व रूप में जगत को सृष्टि करते हैं। अगर सदाशिव स्वरूप को उपासना करोगे अपना गुरु रूप में, शंकर जी क्या करेंगे, कृष्ण की भक्ति देंगे, राम की भक्ति देंगे और तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। इसलिए शंकर जी की सदा शिव स्वरूप को उपासना करना है और शंकर जी से भक्ति मांगना, शंकर जी से भक्ति मांगो शंकर जी से, शंकर जी भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए शंकर जी की एक मंत्र है, आप लोग सुन लो और उसको रट लेना। बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकर करुणामयम सर्वक्लेशहरं देवं वृन्दारण्यं प्रतिप्रदं वृन्दावनवनिपते जय सोम सोमौले सनातन सनंदन नारदृभ्य गोपीश्वर व्रज विलास युगांध्रि पद्मे प्रेम प्रजक्षनितराम निरुपाधिताम। इसी मंत्र से श्री सनातन गोस्वामी शंकर जी को पूजा करते थे। ये मंत्र में कह रहे हैं गोपीश्वर महादेव आप बड़े दयालु, आप बड़े कृपालु हो, जिनकी उपासना सनंद सनातन आदि जी की उपासना करते हैं। इसलिए हे भोले बाबा अगर आप मेरे ऊपर भी कृपा करते हो, क्या करो, ब्रज में जो विलास करते श्री जुगल संगा राधा कृष्ण उनकी चरण में हमें भक्ति करो, उनकी चरण की हमें प्रेम प्रदान करो। इसलिए शंकर जी भोले भंडारी है, उनको पास में दुनिया की वस्तु नहीं चाह करके
उनके पास में भगवान की भक्ति प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए शंकर जी को जब श्री भृगुऋ ने अभिशाप दिए, शंकर जी कुछ भी नहीं हुआ, वो चुपचाप वहां से चले गए। बोले क्यों? बोले वो जो बताया वो सही बताया, जितने मेरे भक्त होंगे ना सबके सब पाखंडी और गंजा फूके भी समस्मान में रहेगी अपवित्र रहेगी, वो सही बता रहे। देखो शंकर जी की भक्त कौन? नंदी, वो भी अभिशाप दिए। बोले किसको? बोले जितने ब्राह्मण को। बोले कलयुग में तो भीख दरवाजा पर भीख मांगो, आप किसी तीर्थ में जाओ देखना ब्राह्मण लोग इतने तंग कर देंगे ना, एक दो रुपया के लिए पूरा परेशानी तुम्हें कर देंगे, हैं? इसलिए क्यों? ऋषि की अभिशाप है, नंद की अभिशाप है। इसलिए कहते ब्राह्मण दो तरीके, एक कर्मकांडी और एक भक्त। अगर जो भक्त ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो केवल कर्मकांडी में लगे रहते हैं भैया इन्हीं के लिए अभिशाप, ये भक्तों ब्राह्मण के लिए नहीं है। अभी शंकर जी चले गए अपराध हो रहा है, बोले शंकर जी मेरे को अपमान की, भरी सभा में मेरे को थोड़ी सी खड़े होकर के सम्मान नहीं किए। हाँ देखो प्रश्न है, भैया ससुर जी आए शंकर जी थोड़ा खड़े हो जाता है क्या हो जाता, कुछ हानि होता ससुर है ना, है थोड़ी खड़े हो जाते दामाद, उसमें बुरा किया था, वो खड़े क्यों नहीं हुए? इसकी दो कारण बताए। पहला कारण है शंकर जी कौन है? तद भगवान की भक्त में सबसे बड़े भक्त शंकर जी, सबसे बड़े भक्त। तद जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो भगवान को दर्शन करते हैं, वो शरीर को नहीं देखते हैं। सभी के हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए वो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। इसलिए शंकर जी दक्ष प्रजापति के हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए उनको उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इसका नाम ही दक्ष है। दक्ष मतलब क्या है? बोले सृष्टि का आपने दक्ष, भक्ति में दक्ष नहीं है, लेकिन शंकर जी की इतने उच्च भाव को समझ नहीं पाए। दूसरा कारण बताए, दक्ष प्रजापति के हृदय में भगवान बैठे हुए उन्होंने मन मन में उनको प्रणाम किया। जब कोई व्यक्ति भगवान के चरण में प्रणाम कर लेना विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर, जब कृष्ण के चरण में प्रणाम करो सभी का प्रणाम हो गया। कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब तुमने ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में सबको प्रणाम करना हो गया, सबको अलग अलग प्रणाम करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन शंकर जी की इतने ऊंची भाव को वो समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने हरिद्वार में फिर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और सब दामादों को निमंत्रण दिया, केवल श्री शंकर जी को निमंत्रण नहीं किया। अभी जितने दामाद शंकर पार्वती कैलाश ऊपर बैठे हुए और एक एक दामाद विमान में बैठ लेके जा रहे, इतने में सती ने देखा सब बहनें जा रही हैं अपना पति को साथ में। देखो जैसे घर में शादी हो जाती है बेटी क्या करती है? अपना अपना ससुर घर में चली जाती है, लेकिन फिर कब मिलते हैं? जब पिताजी घर में कोई उत्सव हो, जब पिताजी निमंत्रण दे तभी सारे बहन इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं फिर बहन बहन से मिलती है, यही तो संसारी का आनंद है। तभी बहन बहन में मिलते हैं, लेकिन सारे बहन एक एक करके जा रहे थी, लेकिन पार्वती देखा केवल मैं ही नहीं जा रही हूँ, और पार्वती देख रही है हमारी ये दामाद जा रही है, ये दामाद जा रही है, ये बहन भी जा रही, और भैया की मन में तो तड़फड़ान लगना शुरू हो गई। इतने में माता जी शंकर जी को बल देख रहे हो, तुम्हारे जो ससुर है ना वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, देखो तुम्हारे सारे जितने तुम्हारी हैं जितने दामाद सबके सब जा रहे, चलो हम भी दोनों जाते हैं। शंकर जी ने कहा देखो मेरे पास में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सती बोली देखो ऐसे कुछ ज्यादा जगह है जहाँ पर निमंत्रण की जरूरत नहीं,
अपने आप जा सकते हो, कहाँ पर? बोले एक गुरु जी के स्थान पर, जहाँ से गुरु जी रहते हैं। ऐसे नहीं गुरु जी जब बुलाएंगे तब जाएंगे। बोले गुरुदेव तो हमारे पास फोन ही नहीं किया, हम कथा और इन्हें क्यों जाएंगे? बोले नहीं, गुरु जी पिताजी है, इसलिए बिना निमंत्रण के गुरु जी के पास में तो जा सकते हो। दूसरा स्थान है भगवान के मंदिर में, वहाँ कोई निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, बगैर निमंत्रण के हम ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तीसरा स्थान है अपना पिताजी के घर, कोई जरूरत नहीं, पिताजी बुलाएंगे तो बेटी घर में आएंगे, क्यों? वो तो तुम्हारे घर थी, इसलिए बिना निमंत्रण के तुम अपना पीहर में जा सकते हो। जब सती ने ये बात बोली शंकर जी का, बोले देखो मेरे पास में कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अभी तो माता सती कभी बाहर जाए और ऊपर देखे दामा तो घर ना, शंकर जी से प्रार्थना कर, बोले चलो ना घूम करके आते हैं। शंकर जी बोले मैं नहीं जा सकता, अभी दो चार बार बाहर गई और अंदर आए, और इतने में सती को सहन नहीं हुई और सती ने बिना शंकर जी को बोले चली। देखो ये जी शब्द, जब कोई स्त्री घर से जाए क्या कर्तव्य क्या है? पति का आदेश देखे ना, अपने आप घर से चली जाए, क्या नियम है? पति का आदेश लेकर घर से अपना पीहर जानी चाहिए, अपने आप नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये तो जगदम्बा जगत जननी माता है, फिर ये बिना बोले फिर चली गई कैसे? इसका रहस्य क्या है? बोले इसका रहस्य है, जिस समय रावण ने माता सीता को उठा कर ले गया, उसी समय भगवान राम हार जानकी लता पता वृक्ष सबको वो पूछ रहे थे, मेरी सीते को कहीं देखे हो? इतने में शंकर जी सती को साथ में कथा सुनने के लिए आए थे अगस्त ऋषि के पास में। जब वापस जा रहे थे प्रभु का दर्शन हो गया, दर्शन हो गया तो देखा प्रभु जी हाँ सीते करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरी सीते को कहीं देखे हो? देखो हरे कृष्णा, देखो इसमें और भी रहस्य है। बोले प्रभु ऐसे लीला क्यों कर रहे थे? हरे कृष्णा बात मत करो, वो मुझे लीला तुम बात मत करो। पहले मैंने बताया था ना, अगर कथा सुनना हो आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, उससे थोड़ा अलग हो जाओ। आप जिन चीजों को जानते हो ना थोड़ी सी वहां से अलग हो जाओ, नहीं तो बिना कारण से बात करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। एक समय जब भगवान राम लक्ष्मण सीता की वनवास हो गया, अक्सर करके प्रभु राम कहाँ रहते थे? ऋषि मुनियों का आश्रमों के पास में रहे, बल्कि उनको ज्ञान की बात सुनने को मिलता था। लेकिन आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी लोग रहते थे, और सीता कितने सुंदर माँ जगत जबा जगत जन, और माँ सीता राम की कितने सेवा करती थी, मैंने आंखों के पलक को ऊपर में प्रभु राम को बैठा कर रखी थी। बड़ी पतिव्रता नारी थी सीता, पति की बड़ी सेवा करती थी। अभी इसको देख करके आश्रम में जो ब्रह्मचारी थे ना, इनका मन में खिली मची गई, बोले क्यों? बोले देखो गृहस्थ जीवन कितना आनंद है, और मैया सीता और कितने प्रेम से प्रभु राम की सेवा करते हैं, कितने सेवा करती हैं। राम उठने से पहले सीता उठ जाती है, साल घर का सारे काम काज जो कर लेती हैं, और स्नान करके आने से पहले सारे पूजा की सामग्री इकट्ठे कर देते हैं, और पूजा करते करते रोसे बना करके रेडी बात उसको बाद में प्रभु राम भोजन करते हैं। गृहस्थ जीवन कितना आनंदमय जीवन है, इसलिए ब्रह्मचारी लोग तो देख करके इनकी मन में शादी इच्छा हुई, हम भी एक के शादी करें। अभी भगवान राम ने देखा, देखो ये ब्रह्मचारी लोग मेरी गृहस्थ जीवन को देख करके कह रहे कितना आनंद है, लेकिन इनको पता नहीं अंदर में कितने दुखी है, अंदर में कितने दुखी है ये इनको पता नहीं है। इसलिए भगवान राम ने एक लीला की। अभी ब्रह्मचारी लोग सोच रहे हैं
पर भैया हमको स्त्री कहाँ से मिले, हमें कौन शादी देगा, हम तो ब्रह्मचारी। फिर उनको पता चला भगवान राम जब जनकपुरी जा रहे थे बीच में अहल्या पत्थर बनी हुई थी, प्रभु राम जब चरण स्पर्श किया वो पत्थर भी बड़ी सुंदरी अहल्या बन गया। बोले देखो प्रभु की चरण में जादू है, इसलिए जिसको गोरी स्त्री चाहिए गोरी गोरी पत्थर को सफेद सफेद पत्थर को लेकर के राम के चरण में स्पर्श करेंगे, और जिसको काली काली स्त्री चाहिए उनको काली काली पत्थर में एक करके गर्म और प्रभु राम के चरण में स्पर्श करा देंगे। बस बड़ी सुंदर स्त्री बन जाएगी, फिर शादी कर लेगी। अभी भगवान राम ने देखा भैया ये ब्रह्मचारी लोग को पता नहीं संसार में कितने कष्ट है। देखो एक समय एक लड़की शादी होकर के जा रही है ससुर घर। अब देखना जब शादी करके ससुर घर जाती है ना, लड़की बहुत रोती है, बहुत रोती है। उनका पूरा परिवार समझा रहे थे बेटी बंद हो गया और बीच बीच में घर में आना, लेकिन रोना ही बंद नहीं हो रहा था। इतने में उसको पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो, क्यों रो रही हो। वो क्या कह रही है, जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, अभी मेरा रोना पर आज से तेरा रोना शुरू हो। रावण ले लिया। अभी भगवान राम जान बुझ करके जितने ऋषि मुनियों का आश्रम उतना ज्यादा वही पड़ गए, हासिते हासिते जोर जोर से पुकार रहे थे तुम कहाँ गई सीते, लता पताओं को पूछ रहे थे। जितने ब्रह्मचारी थे बोले बाबा जी हम तो सोच रहे थे गृहस्थ गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद है, जब ठाकुर ने ही अपना बीवी को रक्षा नहीं कर पाए और ये जंगल में बड़े बड़े राक्षस लोग रहते हैं, अगर हमारे बीवी को अगर राक्षस लोग उठाकर ले जाए तो लग जाओ भैया हमें शादी नहीं करनी, हमें शादी नहीं करनी, अभी हमको भक्ति करना है। एक बार हाथ उठा के बोलो बोला हरे कृष्णा समझ गए।
ये भगवान परात परम ब्रह्म है। फिर सती आई, शंकर जी ने पूछा तुमने परीक्षा की है? देखो एक चीज समझो, अगर हमसे कोई गलती हो गई ना, सीधा बोल दो हमसे ये गलती हो गई। अगर किसी गलती को छुपाना चाहोगे ना और एक झूठ बोलना पड़ेगा, अगर उसको छुपाना चाहोगे और एक झूठ। देखना झूठ 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 को बने झूठ झूठ ही बोलते रहोगे। अगर अपना गलती को मान लिया ना वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु राम पूछा क्या तुमने परीक्षा दी? बोले प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो? आपने जो बताया सही बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया मैंने सीता रूप धारण करते हुए मैंने परीक्षा की। इतने में शंकर जी ध्यानस्थ हो गए, इसने कौन सा रूप लेकर के उसने परीक्षा की? उन्होंने देखा इसने सीता मेरी जो माँ सीता के रूप धारण की और सीता देवी की आराधना और सती ने पत्नी ने सीता रूप धारण की। शंकर जी मन में सोचा और मैं सती को कभी पत्नी रूप में मैं ग्रहण नहीं कर सकता, इनको अभी से मैं गुरु रूप में इनकी वंदना करूंगी। जब मन मन में ये बात वो सोचे ना, इतने में आकाश से देवता लोग शंकर जी की जयकार दिए। बसी भोले बाबा की। अब लोग भोले बाबा की जय इतना कम तुम दे रहे हो, जोर से बोलो, बोले श्री भोले बाबा की जय। सारे देवता लोग जय जय तक किया। इतने में सती को समझ में नहीं आया कि देवता लोग इनकी जयकार क्यों दिए। तब से शंकर जी माता पार्वती को सामने बैठा थे, कभी इन्होंने बाम पार्श्व में नहीं बैठा और उनको कथा बता हरी कथा नहीं सुनाते। अभी सबकी सोच रही है कोई मौका मिले कि शरीर को मैं त्याग दूं, क्योंकि शंकर जी मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सूचक ढूंढ रहे थे। अभी उनको मौका मिल गई और सती चली जा करके देखा सभी का यज्ञ भाग, लेकिन केवल श्री शंकर जी यज्ञ भाग नहीं। इतने में माता पार्वती को सती को बड़ा क्रोध आया है, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजिय कोटि बहिर समझ जद्दे भी परम असर नहीं। समझ रहे हो? बोले जिनका प्रिय राम और सीता नहीं उनको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग देनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक दुनिया क्या बोलेगे मैं किसका बेटी हूँ? कहते से दक्ष प्रजापति का बेटी, जिसने मेरे पति स्वयं शंकर सी सी मतलब क्या कल्याण, सी मतलब मंगलदायी, सी तो अक्षर सुनने पर जिनका कल्याण होना है, जो दुनिया में जिनके कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं, जो भोले बाबा सत्यम शिवम सुनकर उनको भी तुमने शत्रु मान लिया, ऐसे व्यक्ति का मैं ऐसे व्यक्ति को अपना पिता रूप में स्वीकार करना नहीं चाहती। उन्होंने वहीं पर बैठे शरीर से जुगाड़ उनको निकाले और शरीर को सुहा कर जितने शंकर जी के भक्त थे बिगड़ गए सबके साथ और मारपीट करना शुरू कर दिया। इतने में भृगु ऋषि थे वो भी साधारण नहीं, इन्होंने अपना उन्होंने यज्ञ से उन्होंने भी कुछ दैत्य को प्रकट किया। उन लोगों ने शंकर जी के जितने भक्त थे ना मार मार करके भगा दिए। सबके सब भागते भागते आए शंकर जी को शिकायत की बात, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उखाड़ एक जटा को पटक दिया और वीरभद्र नामक विशाल काय एक व्यक्ति प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है? बोले तुम जाओ और दक्ष प्रजापति यज्ञ को तसनस कर दो। इतने में वो आए और जितने वहां पर सब बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हुए थे, जब शंकर जी की अपमान हो रही थी कुछ वहां पर ब्राह्मण दाढ़ी ला रहे थे। देखो शंकर जी कैसे अपमान हो रही है, उनको दाढ़ी उन्होंने उठाई है। कुछ ऐसे थे ब्राह्मण जो हंस रहे थे, उन्होंने दांत मार कर दांत तोड़ दिए, कुछ ऐसे आंख दिखा रहे थे। देखो शंकर जी कैसे अपमान हो रही है, उनकी आंख निकाल दी। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कहीं किसी महान व्यक्ति की अपमान हो रही है इसी को समझो, अगर कोई साधु संतों की कहीं अपमान हो रही है, कोई महान पुरुष की कोई अपमान हो रही ना, खबरदार कभी भी उसके शामिल मत हो। नहीं तो जितने बड़े क्यों नहीं हो, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण यहाँ पर थे,
बड़े बड़े ब्राह्मण लेकिन दांत तोड़ दिए, दाढ़ी काट दी, आग निकाल दी। बोले तुम जितने बड़े व्यक्ति क्यों नहीं हो, सर्वनाश हो जाएगा हैं? इतने उन्होंने दक्ष प्रजापति का सही काट करके यज्ञ कुंड में सुहा करके सारे सत्यानाश कर दिए। अभी सबके सबसे ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले प्रभु ये सर्वनाश हो गया। फिर ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में गए और शंकर तक भोले बाबा है, इन्होंने श्री शंकर जी को मनाया। शंकर जी थोड़े में खुश और थोड़े में नाराज हो जाते हैं, भोले बाबा है इसलिए शंकर जी प्रसन्न हो गए। फिर शंकर जी को प्रसन्न हुए तो फिर शंकर जी को द्वारा उन्होंने फिर को एक बकरी का सल लगा दिए। जब यज्ञ प्रसन्न हो गया फिर यज्ञ कुंड उन्होंने यज्ञ कुंड पूरी कर दी और सब ठीक ठाक उन्होंने कर दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो फिर आगे कथा सुनो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।
बहुत करते हैं, लेकिन वृंदावन के नाम से सभी लोग नाचते हैं। यहाँ बहुत कम लोग नाच रहे हैं, क्या बात है? अभी तो सो रहे हैं क्या? कथा में तो ठीक बहुत बेटी बेटी आती है, जब तक कीर्तन में नाचे नहीं पानी में ही बजाई है तो कथा में मात्र बहुत कम होता है, और कीर्तन में खाली बजाना और नाचना और मनावाना ये सब भक्ति का आगे है। तो भगवान के सामने लज्जा नहीं आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जगह कम है, लेकिन फिर भी जो किए छोटी क्योंकि भगवान ने कहा कि चैंटिंग डांसिंग सिंगिंग एंड फेस्टिंग चार चीज फेमस है, और ये जीवन में करना चाहिए तभी भक्ति आगे बढ़ती है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अब इस नाम को गाने के बाद क्या करना है? चैंटिंग डांसिंग, यानी कि उस नाम में नृत्य करना है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं प्रश्न? माटी के धोना माटी के धोना की तरह बैठे हैं, हम तो जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन देखिए उसके बाद डांसिंग उसी कीर्तन में नाचना फिर है चैंटिंग डांसिंग एंड सिंगिंग उस नाम को गाना है मुझसे, और फिर दृष्टि भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाओ और भगवान को अर्पित करके भोग लगाकर प्रसाद पाओ दृष्टि। तो आइए सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, बहुत दिन से बैठे हैं हरे
इसलिए राधे नाम की ध्वनि लगाना आवश्यक है। सभी लोग इस पर हाथ उठा कर क्या बोलना है? राधे राधे। एक जोर से हाँ, क्या बोलना है? राधे राधे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.